सो गाइज, आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। अब आप सभी को करना क्या है, आप लोगों को जाना ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। ठीक है, यहाँ पे गाइज मैंने मॉडल का जो बैकग्राउंड है वो पहले से इरेज कर रखा है ताकि गाइज आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि गाइज आप लोगों को बैकग्राउंड इरेज करने के ऊपर वीडियो मिले, तो गाइज उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है वीडियो का, तो आप उस वीडियो को जाकर वॉच कर लेना। बाकी गाइज आप लोगों को जो आपको अपने मॉडल का जो ट्री है जो गाइज यहाँ पे उसके ऊपर आपको अपने मॉडल को इस तरीके से बैठा देना है। देन उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि गाइज आपको मैं बता देता हूँ। पहले ही आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले मॉडल को सिलेक्ट करना है, डुप्लीकेट करना है मॉडल का, सेम साइज़ में रखना है वैसे ही जैसे था। फिर उसके बाद गाइज यहाँ पे आप सभी को जाना है इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद गाइज आप लोगों को क्या करना है, आप सभी को जाना है यहाँ से आपको जाना कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आपको ब्लैक एंड वाइट में जाना है, ब्लैक एंड वाइट पर क्लिक करना है, अमाउंट को बिल्कुल जीरो कर देना है। अब उसके बाद कर देना है डन। अब गाइज देखिए, इसमें इरेजर टूल में जाना है, इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है। ब्रश को लेने के बाद जो आप सभी को यहाँ पे हार्डनेस ओपेसिटी कम कर लेना है। अब गाइज देखिए, इसमें अगर आप लोगों ने कोई ब्लू कलर की पैंट पहनी होगी या ब्लैक के अलावा कोई भी पैंट, तो आप लोगों को इस तरीके से इसमें रिम लाइट बनानी है। अब गाइज क्या है कि इसमें मैंने ब्लैक कलर की पैंट है इसमें, मतलब मॉडल की, तो इसमें जो आपको इतना अच्छे से मतलब दिख नहीं रहा शेडो। तो गाइज अगर आपकी कोई और पैंट होगी जैसे अदरवाइज ब्लैक के अलावा कोई, तो उसको आप उसके ऊपर आप ये जो है रिम लाइट जरूर बनाना। बाकी आपको यहाँ पे एक बैकग्राउंड ऐड करना है, एंड बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद जो आप सभी को उसको फुल साइज़ करके आपको उसको मूव डाउन कर देना है बिल्कुल। एंड इरेज़र टूल में जाके इन्वर्ट कर देना है, ब्रश को लेना है। ब्रश को लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को फोटो को जूम करना है, एंड फोटो को जूम करने के बाद जो आपको इस तरीके से शेडो क्रिएट करना है यहाँ पे। ठीक है, जो कि मतलब गाइस आपको बिल्कुल आराम से मतलब करना है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टाइम दे के करना, कोई भी चीज़ मतलब जितना टाइम लेती है उतनी ज़्यादा अच्छी बनती है। ठीक है, तो आप लोगों को जो यहाँ पे इसकी ओपेसिटी यहाँ पे कम कर देना हल्का सा। अब गाइस देखिए, इसमें जो आपको मॉडल को सिलेक्ट करना है इसका डुप्लीकेट लेना है। ठीक है, जो ये मतलब कि हमने बनाया था रिमलाइट, अब इसको जो है हमें यहाँ पे पूरा फिल कर लेते हैं पहले। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको एक बैकग्राउंड में जो है एक रिमलाइट भी क्रिएट करनी है, जो कि जिससे मतलब एक रियलिस्टिक से लुक आएगा। तो उसके लिए हम जाएंगे इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ से हम नेगेटिव वाला लेंगे, इसको हम मर्ज कर देंगे। फिर उसके बाद कलराइज में जाएंगे। कलराइज में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप दो कलर ले सकते हो, ऑरेंज एंड येलो। ठीक है, दोनों में से कोई भी कलर ले सकते हो यहाँ पे रिमलाइट के लिए। तो मैं अभी येलो ले रहा हूँ। तो येलो लेने के बाद जो आप कहाँ पे अपनी बॉडी के पास कुछ स्टेप से रख देना है। फिर उसके बाद इसमें इरेजर टूल में जाना है, इन्वर्ट कर देना है, ब्रश लेना है। ब्रश को लेने के बाद साइज़ को इंक्रीज, ओपेसिटी हार्डनेस कम, एंड उसके बाद जो है साइज़ को यहाँ पे जूम करके आपको जगह इस तरीके से आपको यहाँ पे पेंट करना है। मतलब ये जो पीछे जो मतलब आपको दिख रहा होगा जो स्काई वगैरह है उससे जो मतलब रोशनी जो आपकी बॉडी के ऊपर पड़ रही है। ठीक है, मतलब अगर आप रियल में बैठोगे तो आपके ऊपर वैसी कोई रोशनी तो पड़ेगी ना सन वन की, तो ये रियलिस्टिक दिखाने के लिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको उसको ब्लेंडिंग मोड में जाना है। तो यहाँ पे स्क्रीन करना है, तो स्क्रीन करोगे तो ज़्यादा इतना दिखेगा नहीं। तो आपको यहाँ से जो दो तीन ऑप्शन और देख लेना, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई डार्कनेस एंड यहाँ पे लाइटन। ठीक है, तो लाइटन रख लेते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसको डुप्लीकेट करके और ऐड कर लेना, या फिर ज़्यादा लगे तो ओपेसिटी कम कर लेना। फिर उसके बाद आपको अपनी फोटो यहाँ पे डन कर देना है। अब गाइस बात आती है यहाँ पे गिटार की, तो गिटार के लिए हम जाएंगे ऐड फोटो में, एंड यहाँ से हम गिटार का पिंजी लेंगे। एंड इसको लेने के बाद जो हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, एंड ऐड पे क्लिक करने के बाद जो हम इसको अपने हैंड के पास कुछ इस तरीके से भी देंगे। ठीक है, इस तरीके से। एंड गाइस मतलब एकदम अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, ये वाला काम जो है मतलब थोड़ा मेहनती है ना यहाँ पे, तो मतलब कि आपको यहाँ पे रेज रेज भी करना भी काफ़ी कुछ। तो आप उसकी ओपोसिटी कम करके देख लेना है कि आपके यहाँ पे परफेक्ट तरीके से आए कि नहीं आए। तो इसको मैं साइज़ को छोटा करता हूँ थोड़ा सा, और ये परफेक्ट है। ठीक है, हाँ यहाँ से इतना परफेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है अब हम इसकी ओपोसिटी को फुल कर देंगे पूरा। फिर इरेज़र टूल में जाएंगे, इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश लेंगे। ब्रश को लेने के बाद गाइस ओपेसिटी हार्डनेस सब फुल कर देंगे। ठीक है, एंड साइज़ को अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे। बाकी गाइस देखिए, आप जहाँ जहाँ पे हमें चाहिए, जैसे कि मतलब हैंड के पास से तो नहीं चाहिए हमें, वहाँ से इरेज करना था, तो वहाँ वहाँ से जो हम पेंट कर लेंगे हैंड का एरिया छोड़ के। ठीक है, तो आप लोग गाइस इसको एकदम आराम से करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि टाइम लगेगा तो गाइस चीज़ जो है बढ़िया बनेगी, है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से करना है। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया हो ना, तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करके यार वीडियो बना रहा हूँ, तो यार उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है ना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि गाइस आपके लोगों के मतलब के कॉन्टेंट्स यहाँ पे आते हैं। तो आप लोगों को और कोई फोटो एडिटिंग चाहिए होगी तो आप मेरे को ईजिली बोल सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर अगर आपको इंस्टाग्राम पर कोई भी पोस्ट वगैरह पसंद आए तो आप मेरे को सिंपली यहाँ पर DM कर देना इंस्टाग्राम में, मैं आप लोग के लिए जो है उसका भी कंटेंट ला दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जो है मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग जाना कभी भी मतलब फ्री हो तो गाइस वीडियो को देखने के बाद या जब भी, तो आप जाके वहाँ पे एक बार फॉलो कर लेना। ठीक है, तो बाकी आप लोगों का जो DM वगैरह मैं चेक करता रहता हूँ, मतलब कि एक फ्री टाइम में, मतलब कि फ्री टाइम ही रहता है मेरे पास, तो वैसे मैं इतना कोई बिजी रहता नहीं हूँ, तो मैं चेक करता ही रहता हूँ DM वगैरह। तो ठीक है, और DM के हिसाब से वीडियोज़ बनाता हूँ मैं, क्योंकि यार मतलब DM आप लोगों के आते हैं तो उसके बाद मेरे को मतलब कि लगता है कि हाँ चलो इस टाइप के कंटेंट बनाना चाहिए, क्योंकि मतलब पब्लिक जो है इतना इस कंटेंट को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो मैं वही कंटेंट बनाता हूँ। तो आप लोग देख लेना एक बार अपने हिसाब से। ठीक है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब बताता हूँ आपको आगे क्या करना है।
अब गाइस देखिए, आपने यहाँ पे गिटार को अपने हाथ में ले लिया, तो अब इसमें शेडो भी बनानी पड़ेगी। तो शेडो के लिए मैट फोटो में जाके यहाँ पे बैकग्राउंड से ब्लैक कलर का ये बैकग्राउंड लेंगे, एंड इसके बाद इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, एंड इसका स्क्रीन करेंगे पूरा फुल, मतलब फुल नहीं, मतलब आपकी थोड़ा जितना में कवर हो जाए। फिर इसको मूव डाउन कर देंगे, इरेजर टूल में जाएंगे, इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश लेंगे। ब्रश को लेने के बाद यहाँ पे हम फोटो को जूम करेंगे, एंड जो पीछे की साइड में जो हमें शेडो चाहिए तो इसके लिए हम साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं। सो नहीं, यहाँ पे नहीं, साइज़ को हमें कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम साइज़ को कम करते हैं। हाँ, यहाँ पे परफेक्ट है। फोटो को जूम करेंगे, अब जहाँ जहाँ पे हमें शेडो चाहिए वहाँ वहाँ पे हम सिर्फ पेंट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम शेडो हमारी बन गई है यहाँ पे अभी, अब बट अभी पूरी नहीं बनी है, अभी और भी बनानी है हमें, ठीक है। तो मतलब ब्लैक कपड़े ना यार, तो मतलब इसमें ना जल्दी से शेडो दिख नहीं रही है इतनी खास। तो मतलब आप लोगों का अगर कोई अदर कपड़ा होगा ना, कोई वाइट वाइट सा, तो उसमें यार मस्त दिखेगी शेडो ही। तो यहाँ पे हम ओपेसिटी कम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हैंड के पास भी शेडो बनानी पड़ेगी यार हमें, तो फिर आप ऐड फोटो में जाएंगे, बैकग्राउंड में जाके सेम वही चीज़ ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड करेंगे, एंड यहाँ पे परफेक्ट है। अब इसको हम ऐसे ले लेते हैं, अब यहाँ पे हम इसको रख लेंगे गिटार के पास। अब इरेजर टूल में जाएंगे, इसको मूव डाउन नहीं करना है, ठीक है, इरेजर टूल में जाएंगे, एंड यहाँ पे हम फोटो को जूम करेंगे। अब यहाँ पे गाइस देखिए, यहाँ पे साइज़ को जो है छोटा करके रखना पड़ेगा आप सभी को थोड़ा सा, ताकि मतलब कि शेडो जो है ना ज़्यादा बड़ा ना लगे। तो यहाँ पे हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ से हम पेंट कर लेते हैं पूरे हैंड के पास। अब जो शेडो बनने के बाद जो है आप सबको उसकी ओपेसिटी कम रखनी है, मतलब कि अराउंड 20 के आसपास रख लेना, ठीक है, परफेक्ट बन जाएगी एकदम शेडो। अब कर लेते हैं इसको डन, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे पिक्सार्ट का काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे सेव, एंड सेव करके लेकर चलेंगे इसको लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद जाएंगे स्लाइट वाले ऑप्शन में, उसके बाद जो हम इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसका हाईलाइट कम करेंगे, फिर इसका शेडो बढ़ाएंगे, फिर इसका जो वाइट है वाइट को बढ़ा देंगे, फिर जो ब्लैक है इसको बढ़ा देंगे, फिर उसका जाएंगे कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद हम इसको बढ़ा देंगे वाइब्रेशन, और टेम्परेचर चाहो तो बढ़ा सकते हो, अदरवाइज मिक्स में जाएंगे, येलो कलर लेंगे, यू करेंगे माइनस, ठीक है। एंड उसके बाद लेंगे ग्रीन कलर, ग्रीन कलर को हमें येलो करना है तो इसको करेंगे यू माइनस, सेचुरेशन करेंगे प्लस। फिर लेंगे ब्लू, अब हमें इसको स्काई चाहिए, स्काई ब्लू, तो हम इसको बढ़ा देंगे, एंड इसका सेचुरेशन को बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद नीचे जाएंगे, एंड उसके बाद क्लियरिटी को बढ़ा देंगे, फिर विग्नेट डालेंगे हल्का सा लिटिल बिट। फिर उसके बाद यहाँ से ग्रेन अमाउंट बढ़ा देंगे, फिर जाएंगे नेचुरल टूल में, फोटो की शार्पनेस बढ़ाएंगे, नॉइज रिडक्शन बढ़ाएंगे, कलर नोटिफिकेशन बढ़ाएंगे, एंड फोटो एकदम बूम बन चुकी है हमारी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।